हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो देखिए, आप लोग सबने सुना होगा क्योंकि आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ईयर ऑफ ऑक्स। अभी ईयर ऑफ ऑक्स है क्या बेसिकली, और ये आजकल ग्लोबल ट्रेंड क्यों चल गया है, मतलब इंस्टाग्राम पे इसके जो AR इफेक्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बाकी सारी कंट्रीज के हिसाब से चाइना भी सेलिब्रेट करता है अपना न्यू ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो जो चाइना का न्यू ईयर है वो आ रहा है आपका फेब्रुअरी में, ठीक है, ऑन सेकेंड फुल मून एंड विच मार्क्स द एंड ऑफ विंटर, यानी कि अब जो सर्दियां हैं आपकी वो खत्म हो रही हैं और जो स्प्रिंग का जो मौसम है, यानी कि आपकी अब देख रहे ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ना तो ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो एक काफी सूदिंग सा मौसम है अभी। तो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज और द लूनर न्यू ईयर इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द स्प्रिंग फेस्टिवल एंड बेस्ड ऑन द लूनर कैलेंडर। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि सबकी मतलब राशियां हैं, 12 तरीके की राशियां हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जैसे आपकी रीज हो गई, टॉरस है, सैगिटेरियस है, वर्गो है, जेमिनी है, तो इतनी हमारी ये जितनी भी राशियां हैं उन राशियों के हिसाब से क्या है कि एक एक एनिमल है या फिर कोई ना कोई सिंबल उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब चाइना में क्या है, इन चाइनीज एस्ट्रोलॉजी चाइना के हिसाब से जो 12 एनिमल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं चाइनीज जोडियक साइन। तो जो चाइनीज जोडियक साइन है वो करीब रिप्रेजेंट करे जाते हैं आपके 12 एनिमल्स के हिसाब से। तो अब ईच ईयर वन एनिमल एंड इट्स पर्सनालिटी ट्रेट्स इज असाइन टू द 12 मंथ पीरियड। अब हर साल क्या होता है कि एक जानवर और उसकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है, यानी कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कैसा है, उसकी ट्रेट्स कैसी हैं, बैड और गुड ट्रेट्स, वट एवर दे आर, अच्छी या बुरी, वो असाइन करी जाती है करीब 12 महीने के इस पीरियड के साथ। तो अब क्या हो गया है कि 2021 को बोल रहे हैं कि ये जो साल है ये ईयर ऑफ द ऑक्स है, ठीक है, तो कौन सा एनिमल इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑक्स का। तो ऑक्स की जो पर्सनालिटी है, जो पर्सनालिटी ट्रेट है, वो बात कर रही है कि ये जो साल रहेगा वो स्टेबिलिटी और कामनेस का रहेगा। और ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो साल है वो बहुत ज्यादा उम्दा अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी लेकर आएगा। अब पिछले साल से जब हम कंपेयर करें इस साल को, तो आप जानते भी हैं कि हमारा जो वी शेप है वो भी बड़ा है इंडिया का, ठीक है, तो सम ऑफ द अदर वे ईयर इज समवे हमारे लिए थोड़ा अच्छा साबित होने के लिए दिख भी रहा है। एंड सो दिस इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस ईयर, जो ईयर ऑफ ऑक्स है ये रिप्लेस करेगा आपके जो पिछले साल जो था, पिछला साल आपका ईयर ऑफ रैट था 2020, जो कि आपका पूरा भरा हुआ था तबाही से, यानी कि टर्बुलेंस से। अब जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में चूहे आ जाए तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे तब तक परेशानी रहेगी आप लोगों के दिमाग में, एक टेंशन बनी रहती है कि ये जल्दी चले जाए, नहीं तो आपके घर के सामान इधर उधर खराब कर देंगे, ठीक है, पेपर कपड़े कुछ भी उनको कुतर लेते हैं, तो दैट इज लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ टर्बुलेंस। तो रैट कम्स विद टर्बुलेंस एंड ऑक्स इज कमिंग विद स्टेबिलिटी एंड कामनेस। तो पिछले साल आप लोगों सबको पता ही है कि COVID-19 पैंडेमिक की वजह से कितनी डेथ हुई थी, इकोनॉमिक डाउनटाउन हुआ था, सब लोगों का जो इकोनॉमिक था, जो इकोनॉमी थी, उससे सब पूरा देश ही काफी जूझ रहा था। पर इस साल ये प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि सब कुछ स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। सो ये है एक मतलब बेसिकली एक ट्रेंड बन चुका है अब, ठीक है, ईयर ऑफ ऑक्स, एंड ये सबसे ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे वायरल होता दिख रहा है, क्योंकि जो आपके जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन्होंने क्या करा है कि दे हैव ऑल्सो ज्वाइन द चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टिकर्स हैं, AR इफेक्ट्स हैं, फिल्टर्स हैं, ठीक है, दोनों प्लेटफॉर्म पे सब कुछ ऐसा देखने का मिलेगा ताकि आप लोग भी पार्ट बन सकें, आप लोग भी ज्वाइन कर सकें इस चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन को। दो
चाइना ने हम लोगों को कोविड दिया, ठीक है, बट स्टिल अब इंडियंस का यही है ना कि हम लोग हर किसी की खुशियों में शामिल हो जाते हैं, तो वी आर बीइंग अ पार्ट ऑफ चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन, ठीक है। तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं तो स्टिकर्स और ये एआर इफेक्ट्स हैं, फिल्टर्स हैं, तो इनका जरूर उपयोग करें, ठीक है, और आप भी इस इवेंट में शामिल हो। तो इंस्टाग्राम पे टू कमेमोरेट द ओकेजन द प्लेटफॉर्म हैज कम अप विद अ वेरी न्यू द न्यू स्टोरी फीचर व्हिच सिंपली कंपाइल्स पीपल सेलिब्रेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो स्टोरीज आप सब लोग डालते होंगे, ठीक है, तो अब ये सारे जो भी फिल्टर्स हैं, स्टिकर्स हैं, एआर इफेक्ट्स हैं, इनको यूज करके अपनी स्टोरीज डालें, ठीक है, और सेलिब्रेट करें इस ईयर को। टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी वन मस्ट यूज एनी ऑफ द ईयर ऑफ द ऑक्स स्टिकर्स, ठीक है। आप अपनी स्टोरी पे किसी भी जो आपका ईयर ऑफ ऑक्स का स्टिकर्स है उनको यूज करें, उसे शेयर करें, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है दैट हैज ऑल्सो रिलीज न्यू ए आर इफेक्ट एंड फिल्टर्स इन द लाइन विद द ओकेजन विच यूजर्स कैन एड टू देयर स्टोरीज। तो अब ये जितने भी फीचर्स है ना, ये आपको अवेलेबल होंगे आज, यानी कि 17 फरवरी को, ठीक है। तो आप इन सब का यूज करें, ठीक है, और सेलिब्रेट करिए ईयर ऑफ ऑक्स को। तो यही थी पूरी कहानी ईयर ऑफ ऑक्स की। अब दो आपका फेसबुक और इंस्टा, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके तो आ रहे हैं, बट ये सारी चीजें दे आर नॉट अवेलेबल इन चाइना, बिकॉज चाइना हैव देयर ओन प्रोडक्ट, दे हैव वी चैट एंड ऑल, ओके, बट दे डोंट हैव फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। बट फिर भी फेसबुक और इंस्टा ये इनिशिएटिव ले रहा है करने का, तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट एंड एंजॉय योर सेल्फ गोइंग वायरल विद ऑल दीज थिंग्स, ओके। अपनी स्टोरीज डालिए, ठीक है, ये सारे फिल्टर्स और स्टिकर्स यूज करके। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं एंड यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। एंड मोर ओवर, इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट्स, कोई भी डाउट्स रह रहे हैं आपके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय।